नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत का मामला। गांदरबल में आतंकी हमले में 7 लोगों की जान चली गई। दरअसल केंद्रीय गृह सचिव ने डीजीपी से इस पूरे मामले पर जानकारी ली। कश्मीर में इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला यह है, जहां टीआरएफ ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 7 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी ली है टीआरएफ ने आतंकी हमले में, और इस आतंकी हमले के बाद से लगातार सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। ग्राउंड पर सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और सर्च लगातार जारी है उन आतंकियों की जो इन 7 मौतों के जिम्मेदार हैं। गांदरबल से बड़ी खबर आपको बता दें, और इस हमले में 7 लोगों की जान हलाक हो गई और इस पूरे आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है और उसके द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। हालांकि सुरक्षा बल लगातार अभी भी सर्च अभियान चलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर गांदरबल से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, और अब इस हमले के पीछे का मकसद क्या था और वे आतंकी आखिर कौन है और अब उन्हें अंजाम तक कब तक पहुंचाया जा सकेगा, ये भी एक अहम सवाल है। इस वक्त 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर के गांदरबल में, और ये 5 तस्वीरें जहां गांदरबल में आतंकी हमला हुआ, 7 लोगों की मौत हुई, घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया और लगातार इसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल लगातार हर तरफ नजर बनाए हुए हैं और सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है कि जैसे ही आतंकी कोई भी गतिविधि दिखती है या ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, तुरंत अपने हिसाब से एक्शन लिया जाए। और ये 5 तस्वीर आप देखिए, देर रात का ये पूरा घटनाक्रम जब आतंकी हमला हुआ, और अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। गांदरबल में हमला हुआ था। केंद्रीय गृह सचिव ने डीजीपी से जानकारी ली है। कश्मीर में साल का सबसे बड़ा ये आतंकी हमला है। टीआरएफ ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है।